ये लाखों के पकोड़े हैं और लाखों के इसलिए है क्योंकि इसमें लाखों रुपया हमारी पढ़ाई का लगा हुआ है। अब देखिए ना, युवा आत्मनिर्भर हो गया है, जूते पॉलिश कर रहा है, जीएसटी के साथ, वो भी जीएसटी के साथ बेशरम का पेड़ है। हम उस भाजपा सरकार को ये बेशरम का पेड़ दिल्ली में भेंट करने आए हैं। हम दिल्ली की सड़कों पर ढूंढ रहे हैं स्मृति ईरानी को, हम ढूंढ रहे हैं मोदी जी को, जिनको आप चाहते थे कि वो देश का युवा सड़कों पर पकौड़े तले, तो हम पकौड़े तल रहे हैं आज। जो आप चाहते थे वो आज आपको पूरा हो गया। नहीं, बिल्कुल महंगाई है, हम उनको बताना चाहते हैं हमने पकौड़े पे भी जीएसटी लगाया हुआ है। तो मोदी जी को यही तो बता रहे हैं, हमारे पकौड़े रखे हुए हैं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करते थे, 2 करोड़ लोगों का अपने रोजगार छीन लिया और पकौड़े भी चलने के लिए आए तो आप पकौड़े भी नहीं चलने देना चाहते। महंगाई 2000 से अधिक का सिलेंडर, 200 रुपए से अधिक का तेल, जो बेसन पे जीएसटी, अरे और तो और बने हुए पकौड़े पे भी जीएसटी लगा दिया मोदी जी। देश का युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये धूप से तलना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल धूप में से धूप आ रही है। हमारे पास में धूप से बचने का कुछ समय कोई साधन नहीं है, क्योंकि हम मोदी जी को बताना चाहते हैं कि देश का युवा बहुत मेहनत कर सकता है, पकौड़े भी तल सकता है, इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो वादा तोड़ करके आपने 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। और ये काम जिन युवाओं का नारा दे दे करके आप इस देश में प्रधानमंत्री बने थे, वो युवा आज देश की सड़कों पे पकौड़े तलने के लिए मजबूर है। हमारी मीडिया के साथ दोष यही है कि वो असल मुद्दे से ध्यान भटकाकर अब इन मकसदों पर आ गई। असल मुद्दा ये है कि जिस पकोड़े को बेचने की बात मोदी जी ने कही थी कि ये रोजगार देगा, आज हम युवा इस पकोड़े को तल के बैठे हैं, लेकिन इसको खरीदने वाला कोई नहीं है। उसका कारण, इसमें डलने वाला बेसन, इसमें लगने वाली ब्रेड, इसमें लगने वाला आलू और ये तेल, ये टंकी, हर चीज़ पे जीएसटी और टैक्स की मार इतनी हो गई है और इतनी महंगी ये चीज़ें हो गई है कि हमें मजबूरी बस इसे महंगा बेचना पड़ रहा है। और जब महंगा बेच रहे हैं तो कोई जनता इसे खरीद नहीं पा रही है। और दूसरी बात ये लाखों के पकोड़े हैं और लाखों के इसलिए क्योंकि इसमें लाखों रुपया हमारी पढ़ाई का लगा हुआ है। जो लाखों रुपया हमने लगाकर पढ़ाई की थी, डिग्री हासिल की थी, लगाकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेता है और जब उसको लगता है कि उसे अच्छी नौकरी मिलेगी और देश का प्रधानमंत्री उन्हें कहता है कि पकौड़ा बेचो, तो वो तो पकौड़ा बेचने को भी तैयार है। आज का युवा मेहनत से पीछे नहीं हटना चाह रहा है, लेकिन पकौड़े में उपयोग होने वाली सामग्री तक आपने इतनी महंगी कर दी है कि पकौड़ा तो वो बना तो लेगा लेकिन बेचेगा किसे? तो हम इस उन्हीं के पकौड़ों के द्वारा उनका ध्यान हम महंगाई की तरफ भी आकर्षित करना चाह रहे हैं और बेरोजगारी की तरफ भी आकर्षित करना चाह रहे हैं। अमित शाह जी के जो लड़के हैं जयशाह जी, वो तो बीसीसीआई के सचिव बन गए। राजनाथ सिंह के लड़के सांसद बन जाएंगे। कई मंत्रियों के लड़के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं। लिटरल एंट्री सिस्टम शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, सीधे सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बनाने का। और तो हम बताना चाहते हैं कि हम उस गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं मोदी जी, जिनको आप चाहते थे कि वो देश का युवा सड़कों पर पकौड़े तले, तो हम पकौड़े तल रहे हैं आज। जो आप चाहते थे वो आज आपका पूरा हो गया और आपके मंत्रियों के आपके कार्यालय बन गए, आपके मंत्रियों के लड़के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, बिना कोई एग्जाम, बिना कोई पढ़ाई किए हुए सीधे जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बन गए। कहते थे हमारे देश के युवाओं से, कहा था कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या वो रोजगार किसी को मिला? ये बेशरम का पेड़ है, ये बेशरम का पेड़ है। हम ये बेशरम सरकार है, ये बार बार जो हमारे जनता की चुनी हुई, जो नोट के दम पर बनी हुई प्रदेशों की सरकार को नोट के दम पर गिरा रही है, जो बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम कर रही है। हम भिंड जिला कांग्रेस मध्य प्रदेश से ये बेशरम का पेड़ लेके जगाने आए हैं। हम भाजपा की सरकार को ढूंढ रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब सच्चाई की बात करते हैं, जब सच की बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ को ईडी और सीडी के दम पर दबाने की कोशिश हो रही है। हमारी बीमार सोनिया माँ को भी नहीं बकस रहे, जो उनको भी बीमारी की हालत में ये ईडी और सीडी के दफ्तर में 4-4 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। ये शर्म करो, ये बेशरम का पेड़ है। हम उस भाजपा सरकार को ये बेशरम का पेड़ दिल्ली में भेंट करने आए हैं। हम दिल्ली की सड़कों पर ढूंढ रहे हैं स्मृति ईरानी को, हम ढूंढ रहे हैं मोदी जी को, हम ढूंढ रहे हैं शाहजी को कि अगर वो मिल जाएं तो ये बेशरम का पेड़ जो आप कहते थे देश के युवाओं से कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जो कहते थे 15 लाख लाएंगे, आज वो कहाँ चले गए? अब तो देश की जनता रही पुकार, अब की बार राहुल सरकार, पूरे देश में हाहाकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, सारी जनता पुकार कर रही है। मैं विनोद पंडित मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ और मैं आज ये ढूंढ रहा हूँ
कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि जनता मांग कर रही है राहुल जी को, लेकिन जो आपका दोनों विपक्षी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वो आपको विपक्षी मानता ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, सारे लोग मान बीजेपी बोल रही है मेरा विपक्षी है आम आदमी पार्टी, आम आदमी बोल रही है मेरा विपक्षी है बीजेपी, सारी बात है देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये गुमराह करके सत्ता हथियाने की बात करते हैं मेरे भाइयों, आपने देखा होगा आप भी तो सत्ता ही हथियार। चुनाव आते हैं, जब जब चुनाव आते थे ये मंदिर की बात करते हैं, ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हम और आप, हम, ये देश बाबा साहब का है, ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश उन्होंने बनाया है। आज आप चप्पल जूते जो मिलेंगे, अगर जूते दो मैं करूंगा, हाँ तो क्या करें, आखिर जूता चप्पल जो पॉलिश करना करेंगे, रोजगार नहीं है ना, नरेंद्र मोदी बोले रोजगार झूठ तो ठीक ठाक है, जूता पॉलिश करने की नौबत क्यों आई? आपको मालूम नहीं, पूछने की बात है जे, हमारा हिंदुस्तान है जो सड़कों पर आ गया, बेरोजगारी और महंगाई हमारे नौजवानों को, हर परिवार के नागरिक को, हर नौजवान साथी को, लड़की को, लड़के को वो खा गई है। अब क्या होया, हमारे जैसे एजुकेटेड नौजवान पंजाब से आए हैं हम लोग करें तो क्या करें, लोगों को हम सिर्फ अवेयरनेस ला सकते हैं ऐसी रैली करके, ऐसे मुद्दों पर लड़ाई लड़कर, जो अवेयरनेस है ये बात क्या है, ये जूता जे ब्रश है पॉलिश करने के लिए, अगर हमारे जैसे लोग यहाँ बैठे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा, ये सिर्फ अवेयरनेस है उनको जगाने के लिए, ताकि उठो भाई जागो, आपके जो हक हैं, आपकी जो मेहनत है वो हमारी बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार खा रही है। सपने दिखाए थे नरेंद्र मोदी ने, घर घर नौकरी का सपना दिया था, बेरोजगारी खत्म करने का सपना दिया था, और बोलते थे कि महंगाई को, जो महंगाई है उसको कम करेंगे, आम लोगों की बात करते थे, अब कहाँ है, गैस सिलेंडर का क्या रेट है, पेट्रोल कहाँ है, और नौकरी कहाँ है, वो कौन है, हम कोई लीडर या एमपी एमएलए के बेटे नहीं, हम ये किसान के बेटे हैं, 15 एकड़ हमारे पास जमीन है, 15 किले बोलते हैं हम पंजाब में, तो हम भी आम पर जनता ही हैं, हमारे साथ जो 20-50-100 नौजवान है वो भी आम है, आप जनता किसको समझते हैं, आपके हिसाब से जनता क्या है? मोदी जी ने क्या नारा दिया था, नारा क्या दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कम हुई क्या, पेट्रोल का रेट जो 60 रुपए था 108 रुपए हो गया, डीजल जो 50-52 रुपए था कांग्रेस टाइम आज 90 से पार है, तो बीजेपी के नेता तो बोलते हैं क्या बोलते है? दिख रही है आप, ये आप देखो आज लाखों की गिनती में पूरा देश सड़कों पर है, मैं बात करता हूँ, आप बताओ आप महंगा डीजल तेल पवाते होंगे, आपको महंगा नहीं लग रहा, आपके पास रुपए बहुत है, इस हिसाब से तो आप ऐसे लगते हैं आप धनाढ़ आदमी है। आप भाभी जी से पूछिए, आप भाभी जी से पूछिए एक मिनट, पहले सिलेंडर क्या रेट आता था, 400 रुपए आता कि नहीं, अब 1000 रुपए का है कि नहीं, और महंगाई क्या है, आज मोदी जी ने क्या वादा किया था 10 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की, किसी को नौकरी मिली है, हमको नौकरी मिली है जूता पॉलिश करने की, हम तभी जूता पॉलिश कर रहे हैं, वो हमारा भाई वहाँ पर तेल से पकौड़े निकाल रहे हैं, ये नौकरियां नरेंद्र मोदी जी ने जो है हमको दी है, ये आज पंजाब का हिंदुस्तान का पूरा नौजवान सड़कों पर है, कोई पॉलिश करके अपना गुजारा कर रहा है, कोई पकौड़े निकाल के अपना गुजारा कर रहा है, ये हालात नरेंद्र मोदी ने देश में पैदा कर दिए हैं, उसने सिर्फ धर्म की राजनीति की है, लोगों को मुस्लिम को हिंदू से सिख को लड़ाने की राजनीति की है, देश को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है नरेंद्र मोदी, नारा नहीं सुना सबका साथ सबका विश्वास, ये उनके नारे हैं और जो मीडिया है जिन्होंने टोटल कैप्चर कर रखा है हमारे राहुल गांधी जी को बुरा दिखाने के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है, 2024 में बहुत बड़ी तादाद में लोग वोटें डाल के राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए, सारे पैसे को कुछ लोगों के हाथ में सीमित कर दिया, अपने मित्रों के हाथ में, उन्हें कहाँ महंगाई दिखाई देगी, जो 10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं उन्हें कहाँ महंगाई दिखाई देगी भाई जी, आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी ने कहा था और आज आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, आप देखिए ना युवा आत्मनिर्भर हो गए हैं, जूते पॉलिश कर रहा है जीएसटी के साथ, वो भी जीएसटी के साथ कितना लेते हैं जूता पॉलिश का, ये भैया 40% लगती है, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में 40% लेती है घूसखोरी, अगर आप देखिए 40% की सरकार देश में चल रही है, मैं रेट ही बता रही हूँ, जो जीएसटी लग के पकौड़ा तैयार होगा, जो 100 रुपए का तेल आता था 200 रुपए में मिल रहा है, और जो ये जो आपकी गैस का सिलेंडर है जो 2014 में 415 का आता था आज 1150 का मिल रहा है, तो आप खुद ही जोड़ लो, दुगने दाम होंगे ना पकौड़े के, क्या रेट में बेच रहे हैं, अरे भैया युवाओं के पकौड़े हैं ये, जो पढ़े लिखे पकौड़े की हालत नहीं रहेगी, आप पकौड़े भी नहीं तल पाएंगे, क्योंकि पकौड़े के लिए तेल महंगा, गैस महंगी, कहाँ से तलेंगे पकौड़े, घर चलाना मुश्किल है हमारा, अभी पकौड़ा का क्या रेट चल रहा है, दही दूध आटा चावल दाल क्या नहीं महंगा, घर में कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, ये सरकार तो आई थी कि अभी बहुत हुई महंगाई की मार, अभी कहाँ है स्मृति जी, मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम 10-20 रुपए क्या रेट है, क्या पकौड़े का, पकौड़े में हमारी डिग्री की कीमतें नहीं जोड़ेंगे, हमारी जो डिग्रियाँ ली है हमने
कभी किसी एमबीए वाले के हाथ का पकौड़ा खाया है? नहीं खाया ना, लाखों रुपए के पकौड़े हैं, इसीलिए अभी डब्बे पैक रखे हैं, नहीं बिक रहे। मोदी जी आ जाए, उन्होंने कहा था ना पकौड़े तलो, रोजगार है। नहीं तो मोदी जी का ही तो आइडिया था कि पकौड़े तलिए, मोदी जी को और जहाँ व्यापार करना होगा वहाँ तो लाखों के बिकेंगे। प्रेम में मांगेंगे तो इस देश का युवा जान देने को तैयार है, वो तो मोदी जी लगा रहे हैं, हमने तो हमारी मेहनत आना ही निकाला है।